अभी ये जैसे डिस्कस हो रही है तो हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, और उसके लिए हमारे पास आजकल जो लंदन में हो रहा है वाकयात वो एक हमारे लिए बेस्ट एग्जांपल है, लेकिन हमें उससे चीजें कोट करनी है कि वहाँ क्या वर्स्ट एग्जांपल है, हाँ नॉट बेस्ट एग्जांपल। आप उस हाईएस्ट सिविलाइज्ड नेशन है, उसमें फर्क यह है कि आपने इतने दिन का वायलेंस देखा, लेकिन किसी के लूटिंग लूटमार करते हुए आपने किसी हाथ में असला देखा नहीं, लेकिन लूटमार हुई है, बहुत ज्यादा लूटमार हुई है, वो उनके अपने इंटरनेशनल कुछ भी जो भी हैं मामलात हैं, लेकिन किसी के हाथ में असला नहीं देखा। सबसे कीमती जान होती है। आप जो कहते हैं कि लड़वाया जाता है उन इलाकों में, वहाँ लिटरेसी रेट का फर्क है। डिफेंस क्रिप्टन में इसलिए होता है यहाँ पढ़े लिखे हैं, सिविलाइज एजुकेशन लोग हैं, सही है। आप अगर हर एक को तालीम दे देंगे तो खुद ब खुद आपको ऑपरेशन क्लियर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप भी खुद दे दिया, ठीक है, बैठे आप पीछे पीछे से प्लीज। आज जो यूथ के अंदर इतनी डेसोलेशन है उसका एक रीजन है, वो ये है कि अभी फॉर एग्जांपल जो बजट एलोकेशन हुई है उसमें हमारी जो मिलिट्री स्पेंडिंग है उसने एक बार फिर बलून किया है टू अप टू 12%, एंड जो हमारा एजुकेशन सेक्टर है उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है। इतनी ज़्यादा डिस्पैरिटी है नॉट ओनली अर्बन एरियाज में, लेकिन रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज के बीच में भी, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है एजुकेशन का वो बायपोलर है, इट्स नॉट यूनिपोलर, एंड उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इतने एजुकेटेड और इतने अच्छे पोटेंशियल वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो कुछ नहीं कर पाते और उनकी कॉम्पिटेंसी बिल्कुल ज़ाया हो जाती है क्योंकि उनको चांस ही नहीं मिलता। तो इसके लिए जो हमारा जो यूथ अफेयर्स का जो डिपार्टमेंट है वो क्या कर रहा है, क्या करना चाहिए, और इस पर बहुत ज़्यादा लाइट देने की ज़रूरत है। तो थैंक यू जी। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि मैं, मेरा यूथ डिपार्टमेंट से वास्ता नहीं, मैं इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हूँ, लेकिन गवर्नमेंट स्पोक्समैन, यस मैं आपको बताऊँगा बिल्कुल। जहाँ तक आपने डिफेंस बजट की बात की, प्लीज़ डिफेंस बजट की बात की, वो हमारी एक ज़रूरत है, क्योंकि जो चैलेंजेस हमें हम लोग फेस कर रहे हैं, जिस तरह हमारे अपने फौजी जवान शहीद हो रहे हैं और आपकी और हमारी हिफाजत के लिए वो लोग जाने की अपनी नजराने दे रहे हैं, तो उसके लिए डिफेंस बजट बढ़ाना लाजमी था। लेकिन जहां तक आपको शायद किसी ने गलत फिगर्स कोट किए हैं एजुकेशन के हिसाब से, एजुकेशन में हमने बढ़ाया है, स्पेशली सिंध गवर्नमेंट का जो बजट है, मैं आपको उसको बताऊंगा कि सबसे ज्यादा हमने जो परसेंटेज बढ़ाई है वो एजुकेशन में और हेल्थ में, क्योंकि हम ये फील करते हैं कि एजुकेशन और हेल्थ जो हमारे बेसिक सेक्टर्स हैं, अगर वो हम पब्लिक को देने में कामयाब हो जाएं तो हमारी सबसे बड़े में बड़ी सक्सेस है। एक और चीज बताऊं कि जितना इस गवर्नमेंट में यूनिवर्सिटीज बनी है और यूनिवर्सिटी बन रही है, इससे ज्यादा कभी नहीं बनी। पहले लियारी में बन रही है, लाड़काना में बन रही है, कराची में दो और यूनिवर्सिटीज बन रही है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, प्लीज अगर आप सुन लें, कि यूथ की जहां बात की, यूथ के लिए हमारे इस प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने 60,000 जो हमारे यंग बच्चे और बच्चियां थी उनको, उनके लिए यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किए, जिसमें वो लोग जो के तालीम याफ्ता नहीं थे लेकिन यूथ थे, उनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, और उनको ट्रेनिंग देने के बाद उनको हम लोग बाहर भेज रहे हैं, बाहर मुल्कों में। वो ट्रेनिंग किस चीज़ की है? प्लम्बिंग की, इलेक्ट्रिशियन की, क्योंकि वो लोग बेरोजगार थे, उनके पास तालीम भी नहीं थी। अब एक तो जो रोजगार वाले जो हमारे वो दोस्त जो हमारे और वो नौजवान भाई जो पढ़े लिखे थे, उनको तो गवर्नमेंट जॉब्स भी दी गवर्नमेंट ने, वो भी 60,000 से ऊपर दी, लेकिन जो लोग ना पढ़ सके उस यूथ को हम क्या करते? उन यूथ को हमने ये टेक्निकल ट्रेनिंग्स देकर अब उनको बाहर भेज रहे हैं हम लोग। तो गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट की नज़र में ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इसलिए जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा जो न्यूज़पेपर्स में या मीडिया में आते हैं उस पर आप यकीन ना करें। आप ज़मीनी हकायक चाहिए तो या तो आप सेक्रेटरी बैठे हुए यूथ के, इनसे आप जाके मिल लें, ये आपको सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स देंगे, फिर आपके वो रिकॉर्ड करेक्ट हो जाएगा। शेफ साहब आपकी जानी बातें, एक मिनट में शेफ साहब से जवाब ले लें। जैसे उन्होंने कहा भी कि हमारे कल को बेहतर करने के लिए यूथ मिनिस्ट्री या यूथ अफेयर डिपार्टमेंट खास तौर पे प्रैक्टिकली तौर पे क्या कर रहे हैं? देखिए, मैंने पहले भी जो जहां बात ख़त्म की थी, दो मिनट में सिर्फ उसके साथ लिंक करूंगा कि मैं फिर ये कहता हूं कि सिर्फ एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। और आज का चूंकि यूथ अवेयर है, आपके अपने अंदर जब तक ये एहसास नहीं करेंगे कि आप बहुत अहम हैं, आप अहम होंगे तो उससे एक चेन रिएक्शन शुरू होगा। वो रिएक्शन ये शुरू होगा कि आपके एक मेंटल एप्टीट्यूड चेंज होगा, आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग आएगी, और फिर आपको ये एहसास होगा कि आपने कुछ करना है, कुछ परफॉर्म करना है। जब इस किस्म की फीलिंग्स आपके जहन में आएंगी तो डेफिनेटली आपका माइंडसेट बेहतर होगा और आप एक बेहतर चीज़ की तरफ फोकस होंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि जो कल की आप बात करते हैं, कल तो आपका है ना, तो इसलिए कि इसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी भी आपकी है और सबसे ज़्यादा फिक्र भी आपको करनी चाहिए और कोशिश भी आपको करनी चाहिए। जहाँ तक डिपार्टमेंट का मामला है, मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि हमने यूथ को
ठीक है, आपने कहा कि जैसे यूथ डिपार्टमेंट हो गया, एजुकेशन में वसाइल निस्बतन कम होते हैं, लेकिन कोशिश करके अगर बेटर मैनेजमेंट की जाए तो थोड़े वसाइल से भी बहुत काम हो सकता है। सिर्फ ये कह देना कि वसाइल थोड़े हैं, इस बात की एक्सक्यूज आप नहीं दे सकते कि वहां काम नहीं हो सकता। तो हमने कोशिश यही की कि अगर वसाइल कम भी हैं, गवर्नमेंट ने पेट्रोनेज की वसाइल 3 सालों में रफ्ता रफ्ता उसको बढ़ाया, और पूरे सिंध में यूथ को बड़े हमने प्लेटफॉर्म्स फराहम किए, एंटरप्रेन्योरशिप की फीलिंग्स और अवेयरनेस उनके अंदर डेवलप की, माइक्रो क्रेडिट के साथ उनको लिंक करने के लिए कोशिश की, क्योंकि कोई हुकूमत सब लोगों को मुलाजमतें नहीं दे सकती, तो ऑल्टरनेट एवेन्यूज के बारे में लोगों को अवेयर करने की कोशिश की, आपस में अंडरस्टैंडिंग कराने की कोशिश की, रीजनल हार्मनी के आपस में मोहब्बतें बढ़े, जिसके बहुत से मसाइल आप लोगों ने बयान किए, इंटर प्रोविंशियल टूर्स करा रहे हैं, इंटर रीजनल टूर्स करा रहे हैं, लोगों के साथ डायलॉग्स करवा रहे हैं, यूथ टू यूथ डायलॉग करवा रहे हैं, और एट द सेम टाइम यूथ को एक्सप्रेस करने के मौके दिला रहे हैं। आप सबके अंदर बड़ी क्रिएटिव स्किल्स हैं, हमने पिछले तीन सालों में दारकाना में, सखर में, हैदराबाद में, कराची में यूथ फेस्टिवल्स किए, कोलैबोरेट किया वहां की आर्ट्स काउंसिल्स के साथ, और कोशिश की, और मैं आपको बताऊं जो कोशिश की वो एक बड़े अच्छे एक लीडिंग पेपर है, उसके अंदर एक नौजवान का ये एक्सप्रेशन था कि द गवर्नमेंट द डिपार्टमेंट हैज प्रोवाइडेड अस अ फोरम टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स। ये बहुत बड़ी चीज थी, बहुत बड़ा ट्रिब्यूट था। और एक और बात एंड करने से पहले मैं बताऊंगा कि मौजूदा हुकूमत ने, फेडरल गवर्नमेंट ने जो अपना ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी पेपर बनाया है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री आउट ऑफ 45 पेजेस 6 पेजेस एक्सक्लूसिवली यूथ को डेडिकेट किए हैं कि क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए यूथ को तरक्की देने के लिए। तो दैट मीन्स के फोकस और तवज्जो हुकूमत की बहुत ज्यादा है इस तरफ। जी लास्ट क्वेश्चन है बस ये। हमारे दो सवाल बेसिक पूछने थे, दोनों शर्जील साहब से पूछने थे कि फर्स्टली आपने मुझे आपने एड्रेस किया हमको कि प्रॉब्लम हमारा ये है कि देयर इज अ सर्टेन एक सर्टेन सोच है जो ये चाहती नहीं है कि एजुकेशन बढ़े और एजुकेशन फले फूले हमारे रूरल एरियाज में। ये सोच ये जो वो है ये फ्यूडलिज्म की सोच है, एंड अंटिल एंड अनलेस फ्यूडलिज्म ख़त्म नहीं किया जाएगा तो ये सोच जाएगी नहीं, बिकॉज एजुकेशन इन फ्यूडल लॉर्ड्स के इंटरेस्ट के खिलाफ है। मगर ऑन दी अदर हैंड अगर हम लोग देखें तो हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टीज के जो मेन लीडर्स हैं वो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं। हमारे पॉलिटिकल पार्टीज अब फ्यूडली बेस्ड, उनके बेसिस फ्यूडल हैं, उनके लॉर्ड्स उनके मेन मिनिस्टर्स एंड नॉट एनी पॉलिटिकल पार्टी, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर ऑल फ्यूडली बेस्ड। तो जब तक हम लोग ये चेंज नहीं लाएंगे तो ये एजुकेशन, जब तक हमारे पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह बेस्ड होंगी, उनकी बेसिक आई एम नॉट सेइंग कि मिनिस्टर्स की ये सोच होगी मगर उनकी बेसिक सोच ये होगी, तो वो कैसे चेंज लेके आ सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान वन नेशन है, देन दूसरी हमारे पॉलिटिकल पार्टी सारे एक सर्टन एरिया या एक सर्टन कौम को क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? व्हाई इज द एएनपी रिप्रेजेंटिंग खैबर पख्तूनख्वा? बीएनपी बलोच नेशनल पार्टी बलोचिस्तान को सिर्फ क्यों रिप्रेजेंट करती है? पीएमएल नवाज पंजाब है, पीएमपीपीपी इज सिंधी, पीपीपी इज बेस्ड इन सिंध एंड पीपीपी इज नोन टू बी अ वेरी सिंध ओरिएंटेड पार्टी। यू माइट डिसएग्री बट दैट्स हाउ इट इज। And MQM is a Muhajir party. So why is it like this? Why is there no party which is coming out and saying that we have no basis in any language? हमारा कोई nation base नहीं है, हमारा कोई लोग base नहीं है, हम लोग एक पाकिस्तान की party है, ideology है हमारा। आपका question समझ में आ गया जी, please। खैर, जहाँ तक आपने feudal की बात की, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब feudal खत्म हो चुके हैं, feudal mindset बाकी है। क्योंकि मैं आपको इस बड़े डिबेट में भी जा सकता हूं, आपको बता सकता हूं कि अब कोई फ्यूडल्स नहीं है। प्रोपेगेंडा ज़रूर है फ्यूडल्स के लिए, लेकिन फ्यूडल माइंडसेट होता है, और वो माइंडसेट ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपको रूरल एरियाज़ में ही मिले। माइंडसेट जो फ्यूडल का माइंडसेट है वो आपको किस एरिया में भी मिल सकता है, वो शहर में भी मिल सकता है, देहात में भी मिल सकता है। दूसरी बात तक जहां तक आपने कही कि पॉलिटिकल पार्टीज सर्टेनली सिर्फ एक कुछ कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं, मैं समझता हूं कि ये अगेन दिस इज़ अ रॉन्ग परसेप्शन, स्पेशली फॉर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए इस तरह होता तो गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पंजाब हमारे सबसे बड़ा एक वोट बैंक है, एंड सिंध, हर जगह दिस इज़ द ओनली पार्टी जिसने जो है वो पाकिस्तान के चारों सूबों में जिसके रूट्स हैं। लेकिन मैं इस वक्त आपको पॉलिटिक्स से हटकर, क्योंकि अभी हम सिर्फ 14 अगस्त की बात कर रहे हैं, वी ऑल आर पाकिस्तानीज, और हमें
एक पाकिस्तानी के नाते होने के नाते जो है हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, जिसमें एक और हमारी स्टूडेंट ने कहा कि यूथ की एग्रेशन के बारे में भी, मैं कहता हूं कि यूथ जो है एग्रेशन टुवर्ड्स तरक्की के लिए भले यूज़ करे, लेकिन इस नेगेटिव प्रोपेगेंडा पर ध्यान ना दे। और हमारी सारी उम्मीद इस यूथ पर है। हम ये चाहते हैं कि जो गलतियां अगर हमसे भी हुई हैं वो आपसे ना हो, अगर और जो टफ टाइम हमने देखे वो आप ना देखें, और आप हमारी उम्मीदें, और हमें पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान को आप लोग ही आगे ले चलेंगे, और पूरे पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला एक दिन आप पे फख्र करेगा। मेरा सवाल ये है कि कराची में दहशतगर्दी जारी है, आपको ही पता है, मुझे पता है, डेली मर रहे हैं लोग, आखिर ये है कौन? फरिश्ते मार रहे हैं, एलियन आके मार रहे हैं, आखिर ये है कौन? पॉलिटिकल सपोर्ट है पीछे, सबके हर पार्टी के पीछे है, पार्टी खुद कहती जाके मारो। ठीक है, देखिए मैं आपको इसका सिंपल जवाब दूं, जो लोग मारते हैं और मार रहे हैं ना वो पाकिस्तानी हैं, ना सुन रहे हैं, पूरी बात सुन जी, अब बैठें प्लीज, पूरी बात सुन, ना वो पाकिस्तानी है, ना वो मुसलमान है, और ना ही वो इंसान है। आप और मैं कोई बिल्ली मार सकते हैं? मैं आपसे पूछता हूं, आपके गाड़ी के सामने बिल्ली आज, आप क्या करते हो? ब्रेक लगाते हो, उसको मारते हो? तो कोई इंसान ये काम कर नहीं सकता। अब कौन करवा रहे हैं, मेरी बात का मकसद समझेंगे, आपको समझ में आ जाए, जो लोग करवा रहे हैं उनका मकसद ये है कि वो अपनी पॉलिटिक्स को चमकाना चाहते हैं, या अपना एक खौफ और एक डर फैलाना चाहते हैं कि उनके खौफ और डर के हमारे कोई उनसे बात ना कर सके। लेकिन ये एलिमेंट्स जो हैं, देखिए कोई कितना भी जालिम क्यों ना हो, एक बात किसी ने कही थी कि उरूज का जवाल होता है, तो जो ये जिन लोगों का उरूज है मारने वालों का, इनका जवाल भी अनकरीब आएगा, और ये हुकूमत ही करेगी, आप और हम ही करेंगे जी। लास्ट, ठीक है, क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन जो क्लोज होता है, करारदाद की हिमायत में या मुखालफत में आपने वोट देना है कि हमारा कल आज से बेहतर होगा या नहीं। और आज के इस प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए एक एक मिनट से मैं दूंगा डिबेटर्स को जो यहाँ पर आएंगे। सबसे पहले मुखालफत में मरियम आमिर, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल के जबाँ अब भी तेरी है, तेरा सतवा जिस्म है तेरा, बोल के जहाँ अब भी तेरी है। जनाबे वाला, जब मैं इस जानिब से आने वाले मोहतरम को करारदाद की मवाफ़कत में बोलते हुए सुनती हूँ तो मुझे यकीन हो जाता है कि मुश्किलात में घिरे हुए लोग इसी तरह खुशफहमी पालकर जिया करते होंगे कि इनकी मिसाल तो ऐसे इंसान की सी है जिसके सामने उसका सब कुछ छीना जा रहा हो, उसका घर, ज़मीन, वसाइल, यहाँ तक कि उसके सरमाए भी, और वो महज खामोश तमाशाई बना खड़ा रहे और इसी खुशफहमी में जिया करे कि हमारा कल आज से बेहतर होगा। ये देख के एहसास का दम तो नहीं निकला, जख्मों की तरफ देखना दस्तारों कुबा देख, आँखों की रसाई पर कनात नहीं अच्छी, अंदर के दरीचों से भी कुछ इसके सिवा देख। इस जानिब से करारदाद की मवाफ़कत में बहुत से दलाइल पेश किए गए, मैं इनसे बस एक सवाल करना चाहूँगी कि ये किस बिना पे ये कहते हैं कि हमारा कल आज से बेहतर होगा। मेरा सवाल कायदे ऐवान से है, हमारे कल को बेहतर करने के लिए हमारे आज को मुस्तहकम होना ज़रूरी है, हमारे कल का बेहतर होने के लिए हमें तरक्की की राह पे चलना ज़रूरी है, हमारे कल को बेहतर करने के लिए हमारे आज का बेहतर होना ज़रूरी है। जबकि आज इस मुल्क की खातिर खून बहाने वालों को जब मैं बुनियादी चीज़ों के लिए तरसते देखती हूँ तो फिर मैं ये कैसे कह दूँ कि हमारा कल आज से बेहतर होगा। जब आज महंगाई और गुर्बत से मजबूर होकर लोगों को खुदकुशी करते देखती हूँ तो मैं ये कैसे कह दूँ कि हमारा कल आज से बेहतर होगा। आज एक बाप गुर्बत के हाथों तंग आकर जब अपनी बेटी और बीवी का गला दबा दे तो शर्म के बेहसी के इस मुकाम में मैं बेहतर मुस्तकबिल की नवीद कैसे सुना दूँ कि जब इस मुल्क के साहिब इक्तदार को ऐवानों और पार्लियामानों में एक दूसरे पर उंगलियां उठाते, कीचड़ उछालते, इस पाक सरजमीन को गंदा करते देखती हूं तो फिर मैं ये कैसे कह दूं कि हमारा कल आज से बेहतर होगा। ऐसे में तो ये कहना पड़ता है कि जब तरक्की की जगह तबाही ले ले, मेहनत ईमानदारी की जगह धोखा फरेब मकारी ले ले, तो मुस्तकबिल बेहतर नहीं बदतर हुआ करते हैं। हमारे मुस्तकबिल को बेहतर करने के लिए हमें अपने आज को संवारना होगा, मगर ना महज ऐवानों में पुरजोश तकारीर करने से हमारा कल आज से बेहतर नहीं हो सकता। करारदाद की फेवर में बात करने के लिए यहाँ पर क्लोज करेंगे आज के इस प्रोग्राम को हसन भट्ट। अभी सामने से मेरे काबिल दोस्त के ऊपर तनकीद की गई,
कि हम वो कौम हैं जो दूसरी कौमों को देखकर जलते हैं, हसद करते हैं, उन पर हंसते हैं। अली वकार, हम भला उन पर क्या हंसेंगे, हम तो उनकी खिदमत करते हैं, उनके बाथरूम हैं, उनके बाथरूम धोते हैं, उनके बर्तन साफ करते हैं, भला हम उन पर कैसे हंसेंगे। अली वकार, कायदे अवान बहुत कायदे इस बेख्तलाफ बहुत सारी शायरी रट कर आई और मुझ पर बहुत सारे सवाल की भीमार करके चली गई। मैं इनसे कहूँगा कि खामोशी से मेरी तकरीर सुने, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। अली वकार, करारदाद हमारा कल आज से बेहतर होगा। हमारा से मुराद हम, कल से मुराद मुस्तकबिल, आज से मुराद हाल, बेहतर से मुराद अच्छा, और करारदाद का आखिरी अल्फाज होगा कि जिसकी जगह लफ्ज हो सकता है, भी हो सकता था, लेकिन यह अल्फाज होगा है जो कि खुद करारदाद के हक में जाते हुए हमारे बेहतर कल की जमानत दे रहा है। अलीवकार, करारदाद के पहले लफ्ज हमारा से मुराद हम, और हमसे मुराद इस मुल्क के 63% नौजवानों की है। वो नौजवान जो इस वतन का मुस्तकबिल है, वो नौजवान जो इस वतन के मेमार है, वो नौजवान जो इस वतन की उम्मीद है, वो नौजवान जो इस वतन के चिराग है। हमारा वतन बाग है, हम नौजवान उसके फूल पौधे हैं। हमारा वतन जन्नत है, हम नौजवान उसका हुसन है। हम ही नौजवान कभी सिटी नाजिम मुस्तफा कमाल के रूप में शहर कराची का नक्शा बदल देते हैं, तो कभी अली मोइन नवाजिश के रूप में तालीमी मैदान में एक नई तारीख रकम कर देते हैं। और हम ही नौजवान सैलाब और जलजले जैसी आफात के बाद मुतासरीन की बढ़ चढ़कर खिदमत कर यह साबित कर देते हैं कि काबिल रूह जब बेदार होती है, जवानों में नजर आती है उन्हें अपनी मंजिल आसमानों में। अलवकार, कायदे हिजब इख्तलाफ यहाँ आई और जोशी की तरह हमारे मुस्तकबिल को बुरा कहकर चली गई। मेरा कायदे हिजब इख्तलाफ उर्फ जोशी से ये सवाल है कि इनसे पूछा जाए कि इनका ताल्लुक कहां से है। मैं बताता हूं, उनकी दोबारी चली गई, इनका ताल्लुक कराची यूथ असेंबली से है, इनका ताल्लुक पाकिस्तान डिबेट काउंसिल से है, इनका ताल्लुक यूथ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान से है। अली वकार, ये वही जगह है कि जहां इस मुल्क का नौजवान मुल्की भागदौड़ हासिल करने के लिए तरबियत हासिल कर रहा है। तो जब मेरे मुल्क का मुस्तकबिल इन महफूज हाथों के अंदर है, तो मैं ये क्यों ना कहूं कि मेरा कल आज से बेहतर होगा। और बहसियत कायदे अवाम और बहसियत नुमाइंदे नौजवानान, मैं यहां खड़ा होकर इन नौजवानों की नुमाइंदगी करते हुए ये बात का यकीन दिलाता हूं कि हर जालिम हर जाबिर से टकराएंगे, पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाएंगे, सिंध पंजाब खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान सबको एक परचम तले लाएंगे, एक है अल्लाह एक रसूल हम भी एक है ये तुझको दिखलाएंगे, और सींचेंगे हम इस जमीन को फिर लहू से अपने जो ख्वाब आंखों में तुझे दिखा देंगे। शुक्रिया। आज के इस ऐवान में करारदाद पेश की गई कि हमारा कल आज से बेहतर होगा। पहले वो लोग हैंड रेस करेंगे कि जो समझते हैं कि वाकई हमारा कल आज से बेहतर होगा, और उसके बाद वो लोग उसके बाद वो लोग मुखालफत में जो समझते हैं कि हमारा कल आज से बेहतर नहीं हो सकता बल्कि और बुरा हो जाएगा। तो पहले जो है हिमायत में कि हमारा कल आज से बेहतर होगा, हैंड रेस करेंगे जी। और अब वो लोग हैंड रेस करेंगे कि जो ये समझते हैं कि हमारा कल आज से बेहतर नहीं होगा, मुखालफत में जी। इसका मतलब आज के इस ऐवान में ये करारदाद मंजूर होती है कि हमारा कल आज से बेहतर होगा। और आपने पूरे पाकिस्तान को आज एक उम्मीद दी है कि पाकिस्तान के नौजवान ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान का आने वाला कल आज से बेहतर होगा, और उस कल को बेहतर करने के लिए मैंने, आपने, लीडर्स ने, हम सब ने अपना रोल अदा करना है। शरीफ मेहमान साहब, ये करारदाद मंजूर हो गई है, होपफुल है नौजवान, आप क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? देखें, ये आज जो जज्बा नौजवानों के दरमियान देखने में आया है, पहले तो इन अच्छी तकारीर पे मैं तमाम भाइयों का और बहनों का को मुबारकबाद पेश करूँगा, और मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहूँगा, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, कि अच्छी उम्मीद लेकर और अच्छा हौसला लेकर अपने आप पर एतमाद कर और अपने आप को बेहतर कर हमारा कल जो है
वो आज से बेहतर हो सकता है, और इंशाल्लाह उसमें हम आप नौजवानों का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल देख रहे हैं, और अब पूरी उम्मीद जो है इस कौम की इस वक्त आप लोगों के ऊपर है, और आप लोग एक रोल मॉडल होकर इस सोसाइटी को बेहतर कर सकते हैं। जो माजी में जो चीज़ें हुई या आज तक जो चीज़ें गलतियां हो रही हैं उनको आप लोग बेहतर कर सकते हैं, और बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया शर्जील मेमन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फौजिया नईम साहब, आपसे कम बात हुई लेकिन आपको यूथ पार्लियामेंट के लाइव शो में बुलाएंगे पूरा शो आपके साथ इंशाल्लाह। और शोएब सिद्दीकी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, यूथ अफेयर डिपार्टमेंट ने आज के प्रोग्राम में यूथ पार्लियामेंट के कोलैबोरेट किया। मैं आखिर में दुआ करना चाहूँगा कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा है जवाल ना हो, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों या खिजा को गुजरने की मजाल ना हो, यहाँ जो सब्ज़ा उगे वो हमेशा सब्ज़ रहे और ऐसा सब्ज़ के जिसकी कोई मिसाल ना हो, घनी घटाएँ या ऐसी बारिशें बरसाएँ कि पत्थरों से भी रोइदगी महाल ना हो, खुदा करे कि न खमो सरे वक़ार वतन और इसके हुस्न को तशवीश माउसाल ना हो, हर फर्द व तहजीब व फ़न का औजे कमाल कोई मलूल ना हो कोई खस्ता हाल ना हो, और खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो जिंदगी बबाल ना हो। थैंक यू वेरी मच।